So, good evening all. Today's session will be about handling and usage of digital cameras, which will be presented by Ruthvik Deshmukh. Ruthvik, you can take over. Yes, sir. You can start the So, session. hello everyone. Thank you for being here today. I'm Ruthvik Deshmukh from Shutterbugs Photography Club. I'm here today to talk about handling and usage of digital cameras. So, I'll start my presentation. These are some basic tips about handling a camera, any camera, not specifically digital camera. You can use these tips for every camera. Always use strap. कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रैप नहीं लगा होता है और कैमरा गिर जाता है तो उससे लेंस को प्रॉब्लम हो सकते हैं और कैमरा को भी. यूज बोथ हैंड्स टू होल्ड योर कैमरा. ये क्यों? क्योंकि आप जब शूट करते हो तब प्रॉब्लम क्या होता है कि लेंस कभी कभी ज्यादा वेट का होता है तो जब भी आप शूट करने जाते हो लेंस हिल जाता है और उसकी वजह से पूरा कैमरा ही हिल जाता है. और एक जब कैमरा अच्छे से पकड़ते हो हमेशा लेफ्ट कैमरा राइट हैंड से ही यूज करो, मतलब क्लिक जो करते हो तो राइट हैंड से करो और लेफ्ट हैंड से लेंस को सपोर्ट दो क्योंकि उस तरह से आपका कैमरा शेक नहीं होगा हमेशा. ट्राई टू फाइंड अ सपोर्ट वाइल शूटिंग. जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना शेक्स कम होगा कैमरा को. तो उससे फायदा क्या होगा, आप लो शटर पे भी शूट कर रहे हो जैसा संकेत सर ने पहले एक्सप्लेन किया था, लो शटर पे भी आपको उतने शेक्स नहीं मिलेंगे और आपका फोटो उतना अच्छा आएगा और उसमें शेक्स कम दिखेंगे, ब्लर कम आएगा. हाफ हमेशा शटर में दो क्लिक्स होते हैं, हाफ क्लिक एंड फुल क्लिक. जब हाफ क्लिक करते हो तब फोकस होता है एंड फुल क्लिक जब होता है तब आपका फोटो एक कैप्चर होता है. जब भी लेंस चेंज कर रहे हो आप हमेशा ध्यान रखना कि अच्छे एनवायरनमेंट में चेंज करो क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है अगर थोड़ा सा भी धूल सेंसर पे आया तो वो सेंसर को खराब कर सकता है और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है सेंसर, तो प्रॉब्लम हो सकता है मॉइस्चर Ruthvik, भी sorry to एक्सपोज interrupt करने से. you. Ruthvik, यस sorry सर. to interrupt you. Sorry to interrupt you. There is a slight time lag between the video and your voice, the actions of Shobhit and your voice. Okay, so just take care of that. ओके सर. Huh? You match it यस accordingly. Okay, just यस. continue. Good going. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइज एंड नेवर एक्सपोज योर कैमरा सेंसर टू डस्टी और मॉइस्ट एनवायरनमेंट. कभी भी मॉइस्ट एनवायरनमेंट में यूज मत करना कैमरा. कैमरा कर सकते हो पर ध्यान रखना कि उस पे मॉइस्चर ज्यादा एक्सपोज ना हो क्योंकि मॉइस्चर आपके सर्किट्स को भी खराब कर सकता है और लेंस को भी बहुत प्रॉब्लम आएगा. सो दीज आर सम मेजर कैमरा टाइप्स, पॉइंट एंड शूट कैमरा, DSLR, मिररलेस एंड एक्शन कैमराज. आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम. सो फर्स्ट इज पॉइंट एंड शूट कैमराज. पॉइंट एंड शूट कैमराज आर ऑल्सो डिजिटल कैमराज बट द मेन drawback is focus and exposure is entirely automatic. You cannot adjust the exposure triangle according to your choice in point and shoot cameras. But the major advantage is they provide optical zoom of up to 30x or 60x depending upon the camera. You just have to press the button and the camera does the rest. It automatically adjusts your exposure according to the light conditions. Point and shoot cameras have no option to manually set the aperture and shutter speed. But the major advantage is they are cheap and pocket sized digital. This is a point and shoot camera, Sony. As you can see, it is very thin and pocket friendly. This camera provides 5x digital zoom, optical zoom, sorry. But
मेनी ऑफ देम कैन गो अप टू 30x और 60x। ऋत्विक, सॉरी टू इंटरप्ट यू. यस हाँ, आई जस्ट वॉन्ट टू शो दी सुपर जूम कैमरा एज वेल विच फॉल्स अंडर द सेम पॉइंट एंड शूट कैमरा. ओके, यू कैन एक्सप्लेन अ बिट अबाउट दिस. ओके सर। सर आई एम अनेबल टू सी दी कैमरा राइट नाउ। नाउ नो सर। वीडियो सी हो यस कैमरा। यस सर, इट इज विजिबल सर। यस सो दिस इज ऑल्सो फॉलिंग अंडर पॉइंट एंड शूट, बट दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ द सेम. दिस इज कॉल्ड एज सुपर जूम. दिस कैमरा इज 42x जूम. दिस इज नॉट एस एल आर, इट इज पॉइंट एंड शूट, बट इट्स ए सुपर जूम कैमरा. ओके फाइन. Attendees can tap on the video to maximize the video. Ritvik, please explain about DSLS. Yes. Wait, the audience view is less right now. Yes, so I'll start now. DSLR camera stands for digital single lens reflex. Digital, it means that it uses a digital sensor. Single lens, as it mentions, it uses a single lens to focus the light towards the sensor, and reflex. Reflex means the reflex mirror. Reflex mirror is the mirror which comes between the sensor and the lens. As you can see, the part number 2. Is everyone able to see the part number 2? So when the light comes from the lens towards the sensor, the mirror reflects it to the pentaprism, the part number 7. As it goes upward towards the pentaprism, it reflects internally and goes to the आईपीस और व्यू फाइंडर. व्यू फाइंडर से क्या होता है, हमेशा आपको, आप जो शूट करने वाले हो फ्रेम, वो आपको दिखती है कि आपका कंपोजिशन कैसा है और आपकी फ्रेम क्या है. जब आप व्हेन यू प्रेस द शटर टू टेक द फोटो, द मिरर व्हेन यू प्रेस द शटर टू टेक द फोटो, द मिरर फ्लिप्स आउट ऑफ द वे. Yes, as Shobhit sir is showing right now, that part is called the viewfinder. Is everyone able to see the viewfinder? It. Yeah, so when you press the shutter to take the photo, the mirror flips up of the way, out of the way. The shutter then slides open, and the light coming from the lens has a straight shot into the imaging sensor where a photograph is registered. So when you click the shutter, the mirror flips up. मतलब क्या होता है, लेंस से लाइट आ रही है और वो व्यू फाइंडर में जाने के बजाय वो सीधा सेंसर पे आती है, क्योंकि आपका जो मिरर है, जो पहले व्यू फाइंडर तक लाइट भेज रहा था, वो हट चुका है. इससे क्या होता है प्रॉब्लम, हमेशा जब आप क्लिक करते हो तो मिरर ऊपर जाता है. वो एक मूविंग पार्ट है और आप सबको पता है कि मूविंग पार्ट में प्रॉब्लम यही है कि वो जल्दी खराब भी हो सकता है और मेंटेनेंस भी उसका ज्यादा कभी कभी होता है. कुछ कुछ कैमरास में, जो मीडियम रेंज के कैमरास है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है.
So mirrorless cameras, as the name suggests, it does not require a mirror. पहले मैंने बताया कि DSLRs में क्या होता है, मिरर होता है जो लाइट आपके व्यू फाइंडर तक डिलीवर करता है. मिररलेस कैमरास में मिरर होता ही नहीं है. इट यूजेस अ डिजिटल सिस्टम रादर देन ऑप्टिकल व्यू फाइंडर. द इमेजिंग सेंसर इज एक्सपोज टू लाइट ऑल द टाइम. द ट्रू फाइंडर डिस्प्लेज वॉट विल बी एक्चुअली कैप्चर्ड इमेज. इट ऑलवेज डिस्प्लेज अकॉर्डिंग टू योर सेटिंग्स. सो इसमें क्या होता है, आपके सेंसर पे जो लाइट आ रहा है वो कैप्चर होता है और उससे जो प्रोसेस होके इमेज बनेगी वो आपके डिजिटल व्यू फाइंडर में और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में दिखता है. जैसे नॉर्मल डिस्प्लेज होते हैं वैसा आपके व्यू फाइंडर में एक छोटा सा डिस्प्ले होता है. यस, ऐसा जैसा संकेत सर बता रहे हैं. Ritvik, sorry to interrupt you again. What we can do is whenever we are showing the camera, let it be on full screen mode for the webcam, if possible. Okay, because many of the comments we are getting that they are not able to see the camera. So in that case, if possible, the full screen webcam can be shown. Is it ओके okay. possible? Is it possible? सो आई एम जो भी ऋत्विक, लोग टर्न ऑफ मोबाइल पे योर यूज कर रहे हैं. डिस्प्ले, टर्न ऑफ योर स्क्रीन डिस्प्ले. यस, हाँ, यस. तो यू कैन सी हियर इज द ट्रू फाइंडर. ये वाला तो इसमें होता क्या है, जैसे ऋत्विक ने बताया कि व्यू फाइंडर में जो तुम देख नहीं सकते. लाइक ट्रू फाइंडर में क्या था, तुम जो सेटिंग्स चेंज करते हो, लाइक ISO, शटर स्पीड एंड अपर्चर, वो जो सेटिंग्स चेंज करते हो उसका जो रिजल्ट है वो सीधा तुम्हें ट्रू फाइंडर में दिखता है, और जो तुम सीन देख रहे हो वही तुमको इधर दिखता है, जो व्यू फाइंडर में नहीं होता है. जब तुम व्यू फाइंडर में सेटिंग्स चेंज कर रहे हो तो फोटो आने के बाद में पता चलता है कि भाई इधर सेटिंग चेंज हुई है. ट्रू फाइंडर में ऐसा नहीं होता, तुम जहाँ पे जैसे जैसे सेटिंग्स चेंज करोगे वैसा तुम्हें ट्रू फाइंडर दिखा देगा कि सेटिंग्स चेंज हो रही है और एक्सपोजर जो है वो बदल रहा है. Okay. I request Shobhit also to show their DSLR camera with full screen. Yes. Okay, so this is the DSLR and this is the viewfinder, what we say. And what happens here is, according to what image, what settings you do, you can't see it here. But after you make the click, I'll just start the camera. So after clicking, whatever the image will come will be displayed to you. You will not get it here in the viewfinder. Only the true finder will do it. Like जैसा फोन में होता है, फोन में आपको जो इमेज क्लिक हो रही है वैसा ही दिख जाता है, वैसा ये DSLR कैमरास में नहीं होता, बट मिररलेस कैमरास में होता है. ओके, यस ऋत्विक, यू कैन कंटिन्यू. सर सना, आई कैन कंटिन्यू. यस, यू यू कैन कंटिन्यू. द ट्रू फाइंडर डिस्प्लेज व्हाट विल बी एक्चुअली कैप्चर्ड इमेज. इसमें क्या होता है, आप DSLR में अभी जैसे शोभित सर ने बताया कि आप जब इमेज कैप्चर करते हो तो इमेज अलग होती है, जिस आप ट्रू फाइंडर व्यू फाइंडर में जो आप देख रहे हो उससे इमेज थोड़ी अलग होती है, क्योंकि आपको आपने जो सेटिंग्स की है वो पता नहीं होती कि उससे कैसे इमेज आएगी. मिररलेस कैमरास में क्या होता है, आपको आपके सेंसर पे जो लाइट आ रही है और वो कैसे आप सेटिंग्स से चेंज कर रहे हो वो आपको आपके व्यू फाइंडर में दिखता है, डिजिटल ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में. सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक. डिजिटल व्यू फाइंडर में और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में. डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा. ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है आपको कैमरा के लेफ्ट साइड में वो है लेंस. उससे जो थर्ड पार्ट है वो है आपका शटर.
जो शटर स्पीड आप चेंज करते हो वो शटर, एंड फोर्थ इज सेंसर, एंड द नाइन्थ पार्ट इज योर व्यू फाइंडर, डिजिटल व्यू फाइंडर। तो एक्शन कैमरास, आप सबने तो सुना ही होगा एक्शन कैमरास क्या होता है। एक्शन कैमरा गोप्रो किसी ने सुना है? हाँ, तो नाउ एवरीवन मस्ट बी सीइंग दिस, मच मोर कॉम्पैक्ट एंड स्टैंडर्ड कैमरास, दे आर पॉकेट फ्रेंडली एंड हैव अ गुड बिल्ड क्वालिटी। आप देख सकते हो उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, ड्यूरेबल लग रहा है, और उसके नीचे एक माउंट होता है। दे कैन बी माउंटेड एनीवेयर, दे कैन बी यूज टू टेक हाई क्वालिटी वीडियोज, फोटोज, मोस्ट ऑफ देम कैन बी यूज अंडर वाटर डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। मोस्ट ऑफ देम आर यूज फॉर अंडर वाटर वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोज। GoPro, दिस एक्शन कैमरा कैन शूट वाइड एंगल फोटोज, गुड क्वालिटी वीडियोज, एंड इट इज हाईली शॉक रेजिस्टेंट। इफ यू ड्रॉप इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 to 6 feet, इट विल ओनली गेट स्क्रैचेस। सो नाउ टाइप ऑफ लेंसेज, कैमरा है तो उसके लिए लेंस भी होगा ही। सो देर आर फोर टू फाइव मेजर टाइप्स ऑफ लेंसेज। फर्स्ट वन इज जूम लेंस, सेकेंड वन इज प्राइम लेंस, थर्ड वन इज टेलीफोटो, फोर्थ वन इज माइक्रो लेंस, एंड फिफ्थ वन इज वाइड एंगल लेंस। सो आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट लेंसेज। जूम लेंस, एज द नेम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट, फोकल लेंथ ऑफ जूम लेंस कैन बी वेरीड। इट मे बी अ Okay. वाइड, यस Sorry to interrupt you. Your presentation is not visible. Please turn on the presentation. सॉरी, You can extend that in bit again. टाइप्स ऑफ लेंसेस, जूम लेंसेस, प्राइम लेंसेस, टेलीफोटो लेंस, मैक्रो एंड वाइड एंगल लेंस, दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ लेंसेस। फर्स्ट वन इज जूम लेंस, एज द नेम शोज इट सेल्फ, फोकल लेंथ ऑफ जूम लेंस कैन बी वेरीड। इट मे बी अ वाइड एंगल लेंस और टेलीफोटो लेंस। अ टेलीफोटो लेंस ऑल्सो कम्स अंडर जूम लेंस इफ द फोकल लेंथ ऑफ इट कैन बी वेरीड। अ सिंगल लेंस कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ फोकल लेंस। इट इज आइडियल फॉर ट्रैवल एंड स्ट्रीट फोटोग्राफी। एंड मेजर जूम लेंसेज आर अबाउट 24 to 70 mm। सम जूम लेंसेज आर वाइड एंगल, सम आर टेलीफोटो, एंड सम आर एक्सट्रीम जूम, कवर अ रेंज फ्रॉम वाइड टू टेलीफोटो। As the benefits, a single lens can cover wide range of angles, or a single zoom lens can replace two or three prime lenses. The next type of lens is prime lens. A prime lens is a fixed focal length lens, such as 35 mm, 50 mm, or 80 mm, and so on. They are typically faster. Faster means processing a wider maximum aperture, smaller the f number. Due to the simplified optical construction, prime lenses are frequently smaller, lighter than zoom lenses. As well, the and traditionally
are high quality. By default, professional models are lighter but exceptionally sharp. Telephoto lenses. Yes. Telephoto lenses are lenses having focal length of 70 mm or more than 70 mm in 35 mm equivalent terms. I'll be explaining what are 35 mm equivalent terms in few moments. Popular telephoto focal lengths are 70 mm to 200 mm lenses. 85 mm lens also comes under telephoto lens. Mostly they are used in wildlife photography as a higher focal length is required to capture the action. Lenses of focal length more than 300 mm are termed as super telephoto lenses. So macro and wide angle lens. These type of lenses are not used frequently. They are used for a specific purpose, like shooting insects or any small object. Macro lenses specially designed for close-up work with a long barrel for focusing and optimizing high reproduction rate. One of the most common tools for macro photography. आप सबने ये तो देखा ही होगा कि इंसेक्ट के क्लोजअप शॉट्स रहते हैं, जैसे नैटजियो की मैगजीन्स है उसमें बहुत सारे क्लोजअप शॉट्स आते हैं इंसेक्ट्स के, तो वहां पे आपने देखा ही होगा कि इतना क्लोज तो हम रेगुलरली जा नहीं सकते, तो ये कैसे खींचा होगा, तो वहां पे मैक्रो लेंसेज यूज होते हैं. एंड द लास्ट टाइप ऑफ लेंस पॉपुलरली यूज लेंस इज वाइड एंगल लेंस. A lens which have focal length less than normal lens. Normal lens क्या होते हैं? Human eye को जितना angle cover होता है clearly, उसको normal lens बोलते हैं. Such as 50 mm to 85 mm lens normal lens consider होते हैं. So wide angle lens क्या होता है? The lenses which cover angles between 64 and 84 mm. उससे भी ज़्यादा एंगल्स होते हैं जो कवर कर पाते हैं. एनीथिंग अबाउट दैट इज कंसिडर एज अल्ट्रा वाइड. सम ऑफ अल्ट्रा वाइड लेंसेज आर 8 mm, 12 mm, 12 टू 24 mm. या दिस इमेज कैन क्लियरली शो यू हाउ द फोकल लेंथ चेंजेस द व्यूइंग एंगल. The first one is 300 mm or the super telephoto. 300 mm covers the angle of 8 degrees, which means 8 degree ke andar ki koi bhi cheez ho. Consider yourself as the center of the circle and around you there is a circle of 360 degree. So usme ke 8 degrees hi aap cover kar paoge 300 mm focal length pe. फिर लॉन्ग फोकस लेंस. नॉर्मली कुछ किट लेंसेज आते हैं सेमी प्रोफेशनल कैमरास में, वो होते हैं 135 mm तक लॉन्ग फोकस लेंस. सो वो लेंसेज 18 डिग्री तक एंगल कवर कर पाते हैं. और नॉर्मल लेंसेज 50 mm वो 46 डिग्री. एंड 8 mm इज द एक्स्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो 180 डिग्री तक का एंगल कवर कर सकती है. सो टाइप ऑफ सेंसर्स. हर एक कैमरा में अलग अलग टाइप के सेंसर्स यूज होते हैं. मेजर दो टाइप्स है सेंसर्स के, सीसीडी सेंसर एंड सीमॉस सेंसर.
mostly in camera, CMOS sensor is used. I'll be covering both sensors. CCD sensors. CCD stands for the coupled charge device. We are not getting into technical terms, but it offers superior image quality, better than dynamic range, better dynamic range and noise control. Nowadays, they are used in budget compacts. They have higher price, higher power consumption than more basic constructions. Ek basic difference is CCD or CMOS mein. CMOS जितना पावर कंजम्पशन करता है उससे लगभग 100 गुना ज्यादा सीसीडी सेंसर यूज करता है. मेजर एडवांटेज सीसीडी का इमेज क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बट अभी जो कैमरा आ रहे हैं जैसे 1DX Mark II, उनमें जो CMOS सेंसर्स है उसमें एडवांटेजेस ज्यादा है सीसीडी से, क्योंकि पावर कंजप्शन भी ज्यादा है सीसीडी का और प्रॉब्लम है. Next type, CMOS sensor. CMOS sensors are able to work efficiently as they consume less power. Better suited to high speed captures. They are required in cameras where burst shooting is key. Basically, they are used in the cameras which shoot wildlife, which is used in wildlife photography and sports photography. The most major user of the CMOS sensor is Canon 1D series. You must have heard the terms full frame cameras and crop sensor cameras. So these are the difference between full frame sensors and crop frame sensors. There is not much difference in the sensor types. Basic difference is the size of the sensor. Full frame sensor size is similar to 35mm film size, which means pehle SLR cameras aate the, usme hum 36 images capture kar sakte the kyunki usme ek basic film hoti thi, rolls, which we 36 frames ki ek rolls aata tha, usme uska dimension 35mm rehta tha. 23 mm. उसी से सिमिलर है ये फुल फ्रेम कैमरास का सेंसर्स का डिमेंशन होता है 36 mm by 24 mm. The 35mm film format has been standard in film gauge since 1909. Due to its balance in cost and image quality, and it has stuck ever since. Difference between full frame and crop sensor. A crop sensor refers to any sensor smaller than full frame sensor or the 35mm film frame. The common types of crop sensor include APS-C and macro thirds. Aside from the difference in physical size of the sensor, there are several other differences between a crop sensor and a full frame sensor. I'll be talking about advantages now. Advantages of full frame. Is everyone able to see this slide? Yes, Rohit. Yes, go ahead. Full frame advantages. Generally, a full frame sensor can provide a broader dynamic range and better low light and high ISO performance.
yielding a high quality image than a crop sensor. Generally, जितना बड़ा सेंसर है साइज तो ज्यादा लो लाइट के फोटोज कैप्चर कर पाओगे. ये बेसिक डिफरेंस है क्रॉप सेंसर का और फुल फ्रेम कैमरास का. फुल फ्रेम सेंसर्स आर आल्सो प्रेफर्ड व्हेन इट कम्स टू आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी ड्यू टू हैविंग अ वाइडर एंगल. पहले मैंने बताया था 35mm फिल्म फॉर्मेट. हर एक लेंस जब बनता है तो वो 35mm के फिल्म फॉर्मेट से ही कंसीडर होके उसका फुल फोकल लेंथ डिस्क्राइब करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आप ये समझ जाओगे कि फोकल लेंथ और सेंसर साइज का क्या मतलब डिपेंडेंसी क्या है. एंड एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप सेंसर. ऑन द अदर साइड व्हाइल अ क्रॉप सेंसर DSLR डजंट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ इमेज क्वालिटी एज अ फुल फ्रेम DSLR, it does offer major advantages when it comes to cost. It can also be very effective for telephoto lens, telephoto photography, for the extra reach gain from the crop sensor. For example, this can be very useful while shooting sports, wildlife and other types of photojournalism. So now you can see the slide. Yeah. So if you use a lens of about 18 mm with a full frame camera, a full frame sensor, you'd be able to capture this, the blue rectangle amount of view. मतलब जितना भी blue rectangle में दिख रहा है with 18 mm lens and a full frame camera, इतना view cover होगा. अगर 18 mm lens same lens APS-C size के sensor से के साथ use किया तो जितना green circle में दिख रहा है उतना cover होगा. और micro thirds नाम का एक सेंसर होता है जो यहाँ पे रेड दिख रहा है. ये माइक्रो थर्ड्स मोस्टली लूमिक्स में यूज होता है बट लूमिक्स में भी अभी नए साइज के सेंसर आने शुरू हो गए. वो भी अभी फुल फ्रेम में आ गए. Difference between viewfinder and true finder. True finder use होता है SLR cameras में जबकि viewfinder use होता है DSLR cameras में. Viewfinder use होता है DSLR and SLR cameras में और true finder use होता है mirrorless cameras में. Viewfinder uses mirror and pentaprism to direct the light to the eyepiece from your lens, and true finder uses the sensor information to display what type of light is falling on your sensor. So now talking about actual modes of a camera, I'll be talking about medium entry level DSLR cameras, and this dial is of a Canon entry level or beginner camera. This dial is used to change the modes of your camera. There are several other modes. I'll show you. The P stands for program mode, A for aperture priority,
S for shutter priority, and M is the manual mode. Auto mode is like point and shoot mode. It detects the light, type of light which is falling on your sensor, and adjusts to capture a good photograph. These are some kind of presets. This is used for flower photography or micro photography. This is for landscapes. This is for night photography, portraits, and sports. I'll be talking about the four major modes in camera. This is the screen of your camera screen and the buttons which we generally use. First button you can see is exposure compensation button. Exposure compensation works talking about what your camera deems to be correct exposure based on the metering mode of your choice, and then simply adjusting either the shutter speed of your shutter speed or the aperture to apply the changes what you want to make. The second is live view. If you are using this camera in photography mode, this button is used for live view, and if you are using it as a video camera, it acts like a record button. What it does is, just like a mirrorless camera, it captures images from your sensor and shows it on your display, not in viewfinder. It shows the actual image on your display of your camera. AE lock button. This one. AE lock button is used for your exposure. What it does is, the AE lock functions allows you to lock your exposure settings. It allows you to continue shooting without changing your ISO, aperture, and shutter speed constantly readjusting. You do not need to readjust your ISO, shutter speed, and aperture. If you select a particular exposure type, it will, or if you lock the exposure, it will automatically choose what type of settings it want to get your required exposure. AF point selection button. What it does is, it chooses your autofocus points. Number of autofocus points depends on what type of camera you are using. If it is a beginner camera, there are limited numbers of autofocus points. Jaise jaise aap price zyada badhate jate ho, it gives you more autofocus points. ऑटोफोकस पॉइंट में भी एक डिफरेंट टाइप होता है. सिंगल पॉइंट फोकस होता है, बैक सिलेक्शन होता है, और एक ग्रिड टाइप सिलेक्शन होता है. ग्रिड टाइप कैसे, तीन ग्रिड्स हो जाते हैं, एंड आप मीडियम सेक्शन में फोकस करना चाहते हो, लेफ्ट सेक्शन में फोकस करना चाहते हो, या राइट सेक्शन में. द नेक्स्ट इज क्रॉस कीज एंड सेट बटन्स. सो ISO इज, ये बटन से आप अपने कैमरा का ISO चेंज कर सकते हो. AF इज ऑटो फोकस. WB इज वाइट बैलेंस. एज संकेत सर वॉज टॉकिंग अबाउट वाइट बैलेंस, वाइट बैलेंस मैन्युअली स्टार्टिंग में नहीं होता है, बट आफ्टर सम टाइम यू कैन यूज मैन्युअल वाइट बैलेंस. दिस इज फॉर continuous shutter and timer. Continuous shooting is, आप एक ही एक जब क्लिक करते हो, क्लिक कर
क्लिक का बटन अगर दबा के रखा तो कंटिन्यूस वो आपका फ्रेम्स शूट करते रहेगा। कंटिन्यूस फ्रेम शूटिंग मतलब आपको हर बार फोकस करना नहीं पड़ेगा इन बिगिनर लेवल कैमरास। तो आप जब शटर का बटन प्रेस करोगे तो वो कंटिन्यूस शॉट लेता रहेगा। मिररलेस कैमरास और डीएसएलआर कैमरास का एक ये भी डिफरेंस है कि मिररलेस कैमरास में आप कुछ कंटिन्यूस शटर में आप ज्यादा फ्रेम्स पर सेकंड ले पाओगे, मतलब 11 पिक्चर्स पर सेकंड, ये नॉर्मल मिररलेस कैमरास होता है। एंड डीएसएलआर में 5 to 6 पिक्चर्स पर सेकंड होता है। तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में और वाइल्ड लाइफ में मिररलेस कैमरास का ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि यूज अच्छे से हो पाता है और फ्रेम्स आप उतनी ज्यादा कैप्चर कर पाते हो एक सेकंड में। तो जब आप फील्ड पे होते हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। दिस बटन इज फॉर मेन्यू एंड दिस इज फॉर प्लेबैक बटन। प्लेबैक बटन में आपने जो अभी तक क्लिक किया है वो आप देख पाओगे। So this is your actual screen which you are going to see when you open in manual mode of your camera. This M stands for manual mode. अगर किसी और मोड में हो तो वहां पे चेंज होगा। अगर aperture priority पे हो तो AV आएगा, program पे हो तो P आएगा। This 1/500 ये आपका शटर स्पीड होगा। आप जो भी चेंज करोगे आपकी शटर स्पीड यहाँ पे दिखेगी। अगर 1/125 है तो यहाँ पे 1/125 आएगा। डायल से आप चेंज करोगे तो आएगा। आपका जो नॉर्मल कैमरा होता है उसमें एक डायल होता है, तो आप जब रेगुलरली डायल चेंज करते हो आपके क्लिक बटन के पास, वहां पे आपका शटर स्पीड चेंज होगा। और अगर आपको अपर चेंज करना है तो आप को एवी बटन था मैंने पहले दिखाया था, वेट मिनट, ये एक्सपोजर कॉम्पनसेशन वाला बटन। अगर आपको अपर्चर चेंज करना है तो एवी और साथ में डायल यूज करना जो आपके क्लिक बटन के पास है, मतलब फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए जो आप बटन यूज करते हो एवी, उसके पास जो डायल है वो आपको यूज करने पड़ेगा एवी दबा के, तब आपका अपर्चर चेंज होगा। सो अपर्चर इज एफ फोकल लेंथ बाय 9। सो 9 आपका अभी अपर्चर है। दिस इज योर आईएसओ। जब भी आप आईएसओ चेंज करोगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि आपने आईएसओ चेंज हुआ है या नहीं। This is your exposure meter. अगर आपका फोटो एक ओवर एक्सपोज है तो एक डायल आएगा +3 पे, एंड इफ इट इज अंडर एक्सपोज वो लेफ्ट साइड में आएगा, ओवर एक्सपोज है तो 0 के राइट साइड में आएगा। एंड दिस इज योर वाइट बैलेंस। सो AWB इज ऑटो वाइट बैलेंस। ये आपके आते हैं मीटरिंग मोड। मीटरिंग मोड में आप आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा वो क्या है। दिस L इज योर इमेज कॉल इमेज टाइप। अगर आपको रॉ भी शूट करना है साथ में तो यहाँ पे रॉ प्लस L आएगा,
एंड बाकी वो वैसा चेंज होता रहेगा आपने जैसे इमेज क्वालिटी चेंज की, इमेज टाइप। मीटरिंग मोड चार टाइप के होते हैं, स्पॉट मीटरिंग, सेंटर वेटेड मीटरिंग, पार्शियल और सिलेक्टिव मीटरिंग एंड एवरेज मीटरिंग। आज डाउट सेशन में किसी ने पूछा था शोभित सर को कि मीटरिंग मोड क्या होता है, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग मीटरिंग मोड्स। सेंटर वेटेड मीटरिंग पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, मीटरिंग मोड क्या होता है। मीटरिंग मोड रेफर्स टू द वे इन विच अ कैमरा डिटरमाइंस एक्सपोजर। कैमरा जनरली अलाउ द यूजर टू सिलेक्ट द बिटवीन स्पॉट, सेंटर वेटेड एवरेज और मल्टी जोन मीटरिंग मोड्स। द डिफरेंट मीटरिंग मोड्स अलाउ द यूजर टू सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फॉर यूज इन वेराइटी ऑफ लाइटिंग कंडीशंस। सो फर्स्ट इज स्पॉट मीटरिंग। विथ स्पॉट मीटरिंग द कैमरा विल मेजर ओनली अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ अबाउट 1 to 5%। By default, this is center of the scene. The user can select a different off scene off center spot, but recompose by moving the camera. After metering, certain models support a mode which allows averaging multiple spot metering meter readings, and some support meterings of highlight and shadow areas. स्पॉट मीटरिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर एरियाज इन द फ्रेम। मतलब जब आप स्पॉट मीटरिंग सिलेक्ट कर रहे हो, आप जो स्पॉट सिलेक्ट किया है वही एक्सपोजर आपका हर एक फ्रेम में अलग अलग, वही एक्सपोजर आप कंसिडर करोगे। किसी और जगह का एक्सपोजर आप आपके स्पॉट पे दिखेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अ बैकलिट सिचुएशन, A rising sun may be behind from the person whose face will be much darker than the bright halo around the body. Spot metering allows the camera to measure the light reflected from the person's face and expose properly for that. Instead, for adjusting exposure for the much brighter light and around the hairline. With the face properly exposed, the area around the back and the hairline will become overexposed. In many cases, spot metering will or underexpose a portion of the scene so that the point of interest will be correctly, so the point of interest may be correctly exposed. That's how the spot metering is used. And center weighted metering. In this system, the meter concentrates on the central area, which is about 60 to 80% of the scene. The balances then start reducing as it goes out toward the edges. The mode of exposure is well suited for paragraph. The subject or object's interest in the central part of the image. Some cameras allow the user to adjust the weight or balance of the central portion. If the camera allows the user to move the focus point of the image center, metering will occur around the new focus point. Although promoted as a feature, center weighted metering was originally a consequence of meter reading and focusing screen of a film cameras, the older SLR versions. Average metering. In this metering mode, the camera uses light information from the scene and creates an average for the final exposure setting, giving no weightage or to any particular or portion of the metered area. In some situations, such as snowy landscapes, this mode will result in underexposed
or more. Underexposed by two, underexposed by maybe some amount or more, because the metering system attempts to darken an excessively bright scene. The last part is partial or selective metering. This mode meters a lighter area than spot metering, around 10 to 15% of the entire frame, and is generally used when very bright or dark areas on the edges of the frame would otherwise unduly influence the metering. As in spot metering, some cameras can use variable points for reading or use a fixed point in the center of the viewfinder. Ritvik, are you done with the PPT? Yes, if there are any questions, you can ask in the question box. So attendees, I understand there would be many doubts, so you can put in the questions. I will address a few questions which was asked very commonly. So the first question was, what is a raw image? सो रॉ इमेज क्या होता है कि आपने ऋत्विक ने जैसे बताया रॉ इमेज रॉ लार्ज मीडियम स्मॉल इन सब टाइप के इमेजेस हो सकते हैं सो आपके कैमरा के कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप रॉ या लार्ज में शूट करते हो तो जितने मेगा पिक्सल का कैमरा है उसके उतने पूरे मेगा पिक्सल के फोटो आएगी जैसे आपने 18 मेगा पिक्सल का कैमरा है सो आपके लार्ज या रॉ पे 18 मेगा पिक्सल की फोटो आएगी एंड मीडियम पे 9 स्मॉल पे 4.5 ऐसे हर डिवाइस के हिसाब से वेरी करता है अब रॉ लार्ज में क्या डिफरेंस है रॉ इसके पूरे इमेज के साथ साथ कुछ शैडोज और कुछ और डिटेल्स एक्स्ट्रा डिटेल्स कैप्चर करता है तो रॉ मोस्टली फोटोग्राफर्स यूज करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए जब उनको पता है कि मैं इस फोटो को आगे जाके एडिट करूंगा सो दे शूट इट इन रॉ एंड उसके बाद पोस्ट प्रोसेस करके दे कन्वर्ट इट इन टू अ नॉर्मल जेपीजी फॉर्मेट सो ये होता है कंसेप्ट रॉ का other organizers please tell me some questions I think we have covered all the questions the question panel itself let's see if there are any questions okay what is the preferred metering mode for clicking streets and everyday life so ek cheez hai metering mode professional photographers nahi use karte hain मीटरिंग मोड मीटरिंग क्या बताता है कि आपकी फोटो ओवर एक्सपोज हो रही है अंडर एक्सपोज हो रही है या सही एक्सपोज है तो मीटरिंग मोड बेसिकली बस बिगनर्स को बताने के लिए होता है कि अभी आप इस सेटिंग्स में इस पर्टिकुलर शटर स्पीड इस पर्टिकुलर आईएसओ या अपर्चर में जो फोटो ले रहे हो ये अकॉर्डिंग टू द कैमराज इंटेलिजेंस ये फोटो ओवर एक्सपोज होने वाली है तो इस वजह से मीटरिंग अलग अलग टाइप की स्पॉट पार्शियल अब आपका आपका सब्जेक्ट अगर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और जैसे एक लैंडस्केप है लैंडस्केप के सामने आपने एक ह्यूमन बीइंग को खड़ा किया है तो आप चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग पे एक्सपोजर परफेक्ट आए सो आप यूज कर लीजिए स्पॉट मीटरिंग सो स्पॉट मीटरिंग से आपका जो सब्जेक्ट है उस पे जो एक्सपोजर है वो सही हो रहा है या नहीं वो आपका मीटर बता देगा तो इसी तरह एवरेज मीटरिंग होता है पूरे इमेज में जितने पॉइंट्स हैं उन सबका एवरेज एक्सपोजर क्या आ रहा है वो कैमरा अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से बताएगा सो ऐसा कोई पर्टिकुलर मीटरिंग मोड नहीं होता एंड प्रोफेशनल्स यूज भी नहीं करते बिकॉज शटर स्पीड आईएसओ अपर्चर ये सब सेट करने में उनका एक्सपीरियंस हो जाता है कि कितना एक्सपोजर होना चाहिए यस ऋत्विक देयर इज वन क्वेश्चन ऋत्विक देयर इज वन क्वेश्चन Ritvik? Yes, sir. How to take the pics of fruits which make them real? You can answer this by giving example of the
current screen. Yes. This is the pic that you have clicked. Yes. कभी भी फूड फोटोग्राफी कर रहे हो या फ्रूट्स के लिए ट्राई टू मतलब जब ट्राई करो कि उसका टेक्सचर दिख रहा हो, मतलब फ्रूट का टेक्सचर दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि एक अलग टेक्सचर है इस चीज का. जब भी फूड फोटोग्राफी भी करते हो तब जो फ्रूट का सर्फेस है उसका टेक्सचर क्लियरली आना चाहिए. जब वो क्लियरली आता है तो एक अलग दिखता है वो फोटो. जैसे ये फोटो में आपको थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर दिख रहा होगा इस पे, फ्रूट के जो चेरीज है उसके सरफेस पे कहीं कहीं आपको मॉइस्चर दिख रहा होगा. और कंट्रास्ट ज्यादा रखो, मतलब जो कलर्स है उसमें कंट्रास्ट होना चाहिए, तब वो फोटो अच्छा लगेगा. जब टेक्सचर पे कंट्रास्ट दिखेगा ना तो फोटो अपने आप अपीलिंग दिखने लग जाता है इन केस ऑफ फूड एंड फ्रूट्स. ओके और एक बात है, लाइक तुमने जैसे, एक सेकंड लेट मी कम बैक टू द क्वेश्चन. ओके सर, व्हाट वाज द क्वेश्चन, द फ्रूट वाला? जस्ट अ मिनट, द क्वेश्चन वाज हाउ टू टेक द पिक्स ऑफ फ्रूट्स व्हिच मेक देम रियल. यस, तो वो तुम्हारे लाइक सी हर कैमरा का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, लाइक जो कलर फॉर्मेट होता है वो अलग अलग होता है. तो बेसिकली तुम क्या करते हो कि जब भी तुम फ्रूट का फोटो लेते हो या कोई भी फोटो लेते हो तो मेक श्योर यू आर क्लिकिंग इट इन रॉ. जैसे रॉ का शोभित ने एक्सप्लेन किया कि रॉ जो रहता है वो बहुत ज्यादा डिटेल स्टोर करता है. तो तुम्हें जैसे वो फ्रूट को दिखाना है तो वैसा कलर तुमको जैसा कलर चाहिए उसका वो कलर लाने के लिए तुमको पोस्ट प्रोसेसिंग में ज्यादा हेल्प होती है विथ रॉ फोटो. तो तुम्हें जो आइडियल कलर चाहिए, जो रिक्वायर्ड कलर है वो उधर से आएगा. और इसमें व्हाइट बैलेंस भी मेजर रोल प्ले करता है. और यहाँ पे और एक क्वेश्चन किसी का कि सर एक्सप्लेन अ प्रोग्रामर मोड. तो प्रोग्रामर मोड बेसिकली एक ऑटो मोड ही है जिसमें एक शटर स्पीड ISO का कॉम्बिनेशन या फिर शटर स्पीड अपर्चर का कॉम्बिनेशन तुम फिक्स रख सकते हो. और उसके हिसाब से जो तीसरा वाला है एक्सपोजर ट्रायंगल का पार्ट वो तुम वैरी कर सकते हो. तो प्रोग्रामर मोड, क्रिएटिव ऑटो मोड वो क्वाइट सिमिलर है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड इन अ कैमरा इज अ मैनुअल मोड जहाँ पे तुम्हारे हाथ में कंट्रोल्स होते हैं अपर्चर कैसे एडजस्ट करना है, शटर स्पीड कैसे एडजस्ट करना है और ISO कैसे एडजस्ट करना है. ओके मिस्टर पलाश, he would like to do some value addition over the raw photographs. Palash, can you unmute yourself? Yes, sir. Yes. Let me introduce Palash Napade. He was one of the member of Shutterbug's Photography Club. 2 or 3 years before he has completed his BE, he would like to do some value additions over this raw photographs. Yes, Palash, go ahead. Yes, sir. So raw photographs basically conducts all your information like your saturation, your contrast levels, your all white balance shifting, your all bracket shifting, that all are advanced terms actually. And also your selective coloring system, which most of the camera offers now. The raw photo conduct all this data and allow users to change it even after taking a photograph. Right. So it's not just help for the post-processing thing, but it also helps for if you just click the photograph and if you need any changes, like you want to adjust contrast, so raw photograph helps you there. Okay. Thank you, Palash. Thanks a lot. Thank you, sir. That was a good value addition over this. There's a question. Shobhit, there is one very important question that I feel. How yes, you sir. Took the picture? Pick of a man riding motorcycle. Okay, so that actually will be covered in the fifth session. That concept is called panning. So so it is basically something to play with shutter speed. I'll make sure that you understand it in the fifth session. So there's another question. Please tell the camera which is used for different categories like human, animal, insect, flower or nature. So this question might be in many people's mind. So first of all,
there's no need to change the camera. You can do it with the same camera but using different lenses. So first human basically what we call is a portrait. So we have this portrait lens, as Rudvik showed in the PPT today. We have the portrait lens of sizes 35 mm, 50 mm, 85 mm. So for human photography you can go for portrait lenses. For animal photography, so basically it comes in under wildlife photography. So I think you might want to stay away from the animal. So conceptually you can use the zoom lens or the tele lens for animal or wildlife photography. For insects, since the insects are quite small, obviously the macro lens will come into picture. And by the way, I would like to tell, the macro lenses are quite expensive. So but the phone lenses of macro which are available in the market are not that expensive, so you can try macro lens on a phone. For flower, basically if you want to click a particular flower, you can go for macro or a zoom lens. But if you want to capture a bunch of flowers, any lens would do. A normal kit lens would do. And similarly with nature, so you are mostly talking about the landscape. So for landscapes, we usually use wide angle lenses. Okay. Sanket, you can take the next one. There's one question regarding external flash by Jay Longte. Please address that one. Okay, so as Raghu told in yesterday's session, that there are internal flash, built-in flash, which every camera, almost every camera has. So what does it do is it points directly to your object, so which makes the light very harsh on the subject. So आपने देखा होगा कि आपने internal flash use किया and बहुत ज़्यादा bright हो गया, या फिर जो normal lighting situation है उससे बहुत ज़्यादा vary हो गया. But आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब professional shoots होते हैं उसमें भी flash use होता है. So उसमें हमेशा आपने देखा होगा external flash use होता है. External flash से हम क्या करते हैं, हम directly external flash को object की तरफ नहीं point करते, हम अपने जिस environment में shoot कर रहे हैं उस हिसाब से फ्लैश की लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं सब्जेक्ट पे, ताकि वो इतनी हार्श ना हो. और उसके साथ साथ रिफ्लेक्ट कराने के साथ साथ हम डिफ्यूज़र भी यूज़ करते हैं. फ्लैश एक्चुअली एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, सो इस छोटे से सेशन में हम नहीं कवर कर सकते. हमने एम किया था बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, फ्लैश काफ़ी एडवांस फोटोग्राफी आ जाता है. बट इफ़ यू स्टिल लाइक टू लर्न, प्लीज़ डी एम मी, आई वुड बी ग्लैड टू आंसर. We will think of uploading one video on flash on the YouTube. It will be better if the participants subscribe the YouTube channel of Shutterbug. Okay, which camera would you suggest for beginners? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Which camera would you suggest for beginners? So पहली बात, रुत्विक I think is yet a point miss कर गया. DSLRs are slightly cheaper than mirrorless cameras. So आपने Nikon और Canon और Sony, ये तीन ब्रांड्स तो ज़रूर सुने होंगे. So Canon and Nikon के beginners camera काफ़ी अच्छे हैं, and Sony और Canon के एडवांस cameras काफ़ी अच्छे हैं. So आपके बजट के हिसाब से यू कैन परचेज द कैमरा. यस संकेत, प्लीज. ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आई थिंक इट वाज अबाउट क्रॉस फोकस पॉइंट. ठीक है, तो क्रॉस फोकस पॉइंट मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेंसर है तो उसको 90 डिग्री में अलाइन करके एक पॉइंट बनता है, तो हम उसको फोकस पॉइंट या क्रॉस फोकस पॉइंट बोलते हैं. तो इट्स टाइप ऑफ AF पॉइंट, ऑटो फोकस पॉइंट. तो आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यश नाउ. Sometimes camera took so much time during flash. Like, what do you want to say exactly? Please elaborate this. ये वाला question हो गया शोभित. Will you repeat which lenses are used for portrait photos or humans? Yes, it is done.
is asking to repeat. So you can use portrait lenses or block lenses, it is called 35 mm, 50 mm, 85 mm, according to your requirement. Okay, और कोई क्वेश्चन है? This pandemic has fully finally torn back the curtain on any other questions? We are getting some questions. I'm just reading it. What is the difference between picture quality of different brand cameras? Picture quality basically depends upon the megapixels. Yeah, and the sensor size also. और कुछ ऐसा नहीं होता कि कैनन का अच्छा है या निकॉन का अच्छा है या सोनी का अच्छा है पिक्चर क्वालिटी, लाइक वो रेंज का वो प्राइस रेंज में वो कैमरा बेटर होता है हर ब्रांड का, लाइक टॉप थ्री ब्रांड का तो ऐसा ही है. ये किसका क्वेश्चन है? सर आई सॉ अ पिक ऑफ योर इंस्टाग्राम ऑफ अ बैट इन विच इन फ्रंट ऑफ सनसेट, ये किसकी पिक है? ऋत्विक, तब एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं इधर का. Sometimes the camera does not allow us to take a picture even after fully pressing the button. Why does it happen and how to find the error? So basically क्या होता है कि तुम्हारे camera में जब photo निकालते हो तो वहाँ पे एक focus point रहता है. जैसे ऋत्विक ने explain किया कि बहुत सारे focus points रहता है, तो तुम्हारा subject अगर focus नहीं हुआ है तो camera obviously अगर उसको समझाने की कोई कोई कौन से चीज पे focus करना है, तो तुम जब long press करते हो एक तो तुम्हारा फोटो कैप्चर नहीं होगा या फिर जो भी पूरा फ्रेम है वो डिफोकस जाएगा. तो उसके लिए ऐसा करो कि तुम जब हाफ प्रेस करते हो, जो शटर बटन रहता है कैमरे का, जो हाफ प्रेस करते हो तो मेक श्योर योर सब्जेक्ट इज इन फोकस एंड देन यू प्रेस इट फुल्ली. विच इज द बेस्ट कैमरा बिटवीन निकॉन, सोनी एंड कैनन फॉर ऑटो मोड एंड बिगिनर्स? नेवर यूज एन ऑटो मोड in camera. If you are a photographer and you are in auto mode, then you are just you can't use auto mode if you are doing a photography. That's it. So camera and is actually doing photography. Camera is actually doing photography. Yeah. Not the person who is holding. If the dial is on auto. Always use manual mode while capturing the photograph. You might get some wrong pictures. You might get some overexposed or underexposed pictures, but eventually by practice you'll learn all the exposure settings. I would like to add one point over here. If you feel it a bit difficult to go for manual mode, you can first you can start with the aperture mode, then go for a shutter speed mode, and then you can go for the manual mode. Yes. हम जब नाइट में क्लिक लेते हैं फ्लैश से तो वो ब्लर आता है, मींस वो पिक क्लियर नहीं होता. सो हम कौन सा, अच्छा बेसिकली जब नाइट में फोटोग्राफी कर रहे हो सो वो फोकस नहीं हो पा रहा है. आई अग्री, नाइट में जब आपके पास ज्यादा लाइट नहीं है तो वो फोकस में प्रॉब्लम होता है. सो इसमें आप क्या कर सकते हो कि टाइम फ्लैश पे क्लिक करके फ्लैश यूज करके थोड़े टाइम के लिए आप फोकस कर लो और फिर फ्लैश बंद कर दो एंड देन आप पिक्चर क्लिक करो सो वो फोकस हो जाएगा.
आई थिंक काफी कवर कर लिया है, एक बार और क्रॉस. सलीम, sometimes while capturing photo white drinks shown on the eyes, what to do? White drinks. Do you want to say red eye, Salim, Mr. Salim? Peanut se question hai. Sir, ek question mujhe call karna, like ye chota hai. Every time I put my memory card in PC, it shows me two files of the image, one in JPEG and other in CR2. So basically CR2 is a raw format and JPEG is a JPEG format, fine format. तो क्या होता है कि कैमरा में तुम्हारे मोड रहता है कि तुमको कैप्चर कैसे करना है. लाइक वहाँ पे एक मोड रहेगा कि जेपीजी ओनली, वहाँ पे रहता है कि रॉ प्लस जेपेग, और एक रहता है रॉ प्लस एल, जैसे ऋत्विक ने एक्सप्लेन किया. तो तुमने अगर जेपेग प्लस रॉ वाला अगर चालू रखा होगा तो कैमरा दोनों करता है कैप्चर और तुमको आउटपुट देता है, तो इसलिए शायद तुमको दोनों पिक्चर दिख रहे होंगे. I think Ruthvik ने बैट वाली इमेज खोल ली है. नहीं दिख रही है इसलिए. Ruthvik? Yes sir. Have you got that image? सब मिल रही है पर वो डाउनलोड थोड़ा नेट स्लो है. मैंने ड्राइव पे सेव किया सब. I think you should explain it in WhatsApp group or something. ठीक है. रनिंग आउट ऑफ टाइम एक्चुअली. यस दैट कैन बी क्लियर्ड इन टुमारोज डाउट क्लियरिंग सेशन देन. यस यस आई थिंक वी आर डन इन टुमारोज क्लियरिंग सेशन. सर गो अहेड प्लीज. आई थिंक वी आर डन विद ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस. Yeah, you can ask more tomorrow at 4:30. 4:30 to 4:30. So, see you tomorrow. Okay. So tomorrow is Shobhit. Can you announce about tomorrow's session? Yeah. So for tomorrow's session, Sanket will be covering the editing post-process part on your phone. So काफी beneficial session है. आप फोटो क्लिक करते हो फोन से कैमरा से भी, तो एडिट आप फोन पे भी कर सकते हो. सो उसके लिए संकेत स्नैपसीड लाइट ये सारे ऐप्स बताएगा. सो प्लीज डू इट. ओके ओके लेट्स रैप अप. ओके सो विल मीट टुमारो एट 5 फॉर द रेगुलर सेशन. दैट विल बी द फोर्थ सेशन. एंड दोज हू हैव doubts, they can join tomorrow at 4:30 for a doubt clearing session. See you tomorrow. Bye bye. Bye all. See you tomorrow.